तो ये ठीक बात है कि चुनौतियां तो हैं, और चुनौतियां जब अगर जीवन में नहीं रहती हैं तो काम करने में हमारे जैसे लोगों को तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज हमें लगता है कि ब्राह्मण ही नहीं, सभी वर्ग और जात और धर्म के लोग आज ये सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश में एकमात्र विकल्प हैं। चुनौतियाँ आ रही हैं, चुनौतियों का हम लोग डट कर मुकाबला कर रहे हैं, और हमें खुशी है कि आज प्रबुद्ध समाज समाजवादी पार्टी की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व हमेशा से रहा है। आबादी के लिहाज से सूबे में तकरीबन 13% ब्राह्मण हैं, लेकिन कई सीटों पर ये निर्णायक भूमिका में हैं और इनकी संख्या 20% से भी ज्यादा है। यही वजह है कि हर पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक पर निगाह गड़ाए हुए है। 2017 के चुनाव की बात करें तो 56 ब्राह्मण उम्मीदवार चुनाव जीते थे, इनमें अकेले 44 भारतीय जनता पार्टी से थे। यही वजह है कि अगले साल होने वाले चुनाव का शंखनाद बसपा सुप्रीमो मायावती के सेनापति सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से ही किया। इसी की काट के तौर पर चुनावी मैदान में तैयार हैं समाजवादी सेना के योद्धा और प्रबुद्ध वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे। आज डबल इंजन की केंद्र की और राज्य की सरकारें फेल हुई हैं, और लोग याद कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी थे, जिनके कार्यकाल में 9.5 लाख बच्चों को सीधे रोजी रोटी से जोड़ने का काम किया गया, 19 लाख बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन से जोड़ने के लिए उनको लैपटॉप देने का काम किया गया। अगर आप देखें तो आईटी क्षेत्र में सबसे बड़ा काम आईटी सिटी बना करके आदरणीय अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया। पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां तो 20,000 रुपये कन्या विद्याधन में देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। दिलचस्प है कि मनोज पांडे जिस ऊंचा हाथ से विधायक हैं, वहां राम मंदिर आंदोलन हो या मोदी लहर, कभी भी कमल नहीं खिला। बीते विधानसभा चुनाव में योगी के तूफानी उभार में भी इस सीट से मनोज पांडे ने ही जीत दर्ज की।